ये देखो कितना बड़ा, आप देखें कैसे भागेगा ये। ये देखो भाई कितने सारे क्रैप्स क्रैप्स लेते हुए मजे लेते हुए सारे, ज़बरदस्त शूटिंग हो रही है रील्स वगैरह। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो फ्रेश व्रेश हो चुका हूँ, तो बस प्रसादा रात का बचा हुआ वो थोड़ा खा के बस निकलते हैं आगे पंजिम घूमने के लिए। तो ऐसा कुछ है भाई, ये इतना बड़ा गुरुद्वारा है तो ये पूरे झरने वरने लगे हुए हैं। तो अपनी थाली यहाँ पर है तो बस खाएंगे निकल जाएंगे। तो जी अपनी चाय आ गई है, तो खाना थोड़ा गर्म हो रहा है तब तक चाय पी लेते हैं। वाह मस्त चाय है, बिल्कुल मीठा कम जैसे मैं पसंद करता हूँ। तो जी ये आ गया अपना प्रसाद है, वही रात का बचा हुआ था, दाल तो गर्म कर दी इन्होंने और ये रोटी परोंठा खाएं और फिर निकलेंगे। निकल पड़ा हूँ अपना खाना वाना खा के, तो अभी मैं दूसरी साइड से निकला हूँ। तो यहाँ से एक जगह है, यहाँ से नदी क्रॉस, ये समुंदर का जो बैक वाटर है ये क्रॉस करना पड़ेगा, उसके लिए लोकेशन में पहुँच गया हूँ। फेरी आएगी, फेरी में साइकिल रख के जाऊँगा फ्री में, सब लोग जाते हैं आर पार होते हैं, मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं यहाँ पे आया था तो वैसे ही किया था मैंने आर पार। तो बस वो आ गया लोकेशन, ये वो लोकेशन है, यहाँ से मेरे लेफ्ट साइड में फेरी लगी होगी, सब लोग आर पार क्रॉसिंग उसी से करते हैं, तो मैं भी करूँगा और आपको सिटी घुमाऊँगा यहाँ की। ये देखो फेरी लगी हुई है, ये सीधा उस पार छोड़ेगी फ्री में, कोई पैसे नहीं लगते हैं, कुछ नहीं लगते हैं। आ रहे हैं सब जो काम करते हैं उस पीछे दूसरी साइड में, तो बस अपने साइकिल लगा ली मैंने आगे, बाकी लोग की पीछे लगी हुई है और मज़े चलेगी 5-7 मिनट में जब फुल हो जाएगी, तो बस सही है। ये बड़े बड़े क्रूज है यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये देखो पीछे, देखो 4 बच्चे लोगों ने मेरे को चैनल सब्सक्राइब किया, दिखाओ। हाँ ये देखो शानू व्लॉग्स, व्हाट्स योर नेम, लॉरेंस, रोजेल, चारों भाई बहन हो, कजन हो, ठीक है बढ़िया बढ़िया। ये व्लॉग आएगा दो दिन के बाद सुबह 8 बजे, ठीक है, तो आप लोग देख लेना। तो अभी कहाँ स्कूल जा रहे हो, सॉरी छुट्टी है अभी, तो दिवाली का है ना, ठीक है बढ़िया बढ़िया। तो ये कौन है, अच्छा पापा है, ठीक है जी पापा जी हाय, ठीक है बाय बाय। तो देखो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तुम्हारा सुबह 8 बजे ब्लॉग आएगा परसों, ठीक है ओके। तो जी चल पड़ी अपनी बोट, ये देखो आगे से एक वो जा रहा है क्रूज डेल्टिन वालों का, गुजर गया सामने से, बड़ी स्पीड में चल रहा है। वो बच्चे लोग अभी भी हाय हाय कर ही जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर। चले जी निकल चुके हैं वहाँ से पंजिम की गलियों में, अभी सुबह सुबह 9:15 हो रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ चर्च में जहाँ सिम्बा फिल्म की शूटिंग हुई थी, और वहाँ पे अपना फोंटेनियस जहाँ पे एक कलर के पोर्चुगीज लोगों के वो थे घर वगैरह हैं, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं, चलते हैं आगे से।
वाह ये भैया कैसीनो है बहुत बड़ा डेल्टा रॉयल देख रहे हो। लास्ट ईयर भी मैं आया था यहाँ पे 1500 रुपये एंट्री है, जिसमें पता नहीं कुछ खाने पीने का बुफे रहेगा, बाकी घूमने फिरने का एंजॉय करने का। कैसीनो प्राइड एक गार्ड सर अपने मेरा पूरा ऑल इंडिया का। थैंक यू। तो यहाँ से जाऊँगा मैं, चलें भैया। ये देखो भाई काम उसके रिपेयरिंग चल रही है कुछ, यहाँ पे फोटो शूट वगैरह भी हो रहा है। साइकिल लगाते हैं अपनी यहाँ पे, दो मिनट यहाँ खड़ी कर देते हैं। तो अभी इसका काम चल रहा है, अभी बेल लगी हुई बहुत ऊपर। चलें जी, थोड़ा बहुत घूमेंगे अच्छे से। घूमना क्या यार, इसका तो काम ही चल रहा है, जब देखो काम ही चल रहा होता है। फिर भी देखते हैं, जितना एज पॉसिबल हो सके ऊपर जाता हूँ। तो जी ये सामने नो एंट्री लग गया, मतलब काम चल रहा है इसलिए बंद है। तो पिछली बार भी आना हुआ नहीं यार, इस बार भी एंट्री बंद कर दी इन लोगों ने, क्या करें। नो एंट्री है वो देखो भाई लोग ऊपर चढ़े में क्या कर रहे हैं, सफेदी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसको यार। नहीं घुस के तो जा सकते हैं, लेकिन फायदा क्या होता, तो बंद होगा डोर, मेन चर्च का डोर ही बंद होगा तो फायदा क्या। तो जी ऐसा है, यहाँ तो बंद है, चलें आप दूसरी जगह घूमें, फाउंटेन्स वगैरह थोड़ा वहाँ देखते हैं क्या है सीन। तो जी ये रोड है एकदम हाईवे, और ये पास में देखो बिग डैडी कैसीनो, ये कैसीनो है, और ये यॉट वगैरह छोटे छोटे यॉट, और आगे भी है एक डेल्टिन वालों का कैसीनो यॉट, वो दिखाता हूँ आपको। ओ भाई यॉट क्रूज कैसीनो, ये देखो भाई डेल्टिन वालों का डेल्टिन जैक। देखो भाई ब्रिज, कितना जबरदस्त ब्रिज बना हुआ है। तो सिटी से मैं निकल चुका हूँ बाहर हाईवे में, अब जा रहा हूँ यहाँ से वास्को डी गामा मड़गांव की तरफ। तो वास्को डी गामा है 30 किलोमीटर, मड़गांव पता नहीं कितना है, वो देखना पड़ेगा। तो बस चलते हैं, दिखते हैं, बताते हैं आपको। आगे आ चुका हूँ हाईवे के पास, तो मड़गांव जा रहा है सीधा हाईवे से, और गोवा का स्टेडियम में आ चुका हूँ जहाँ नेशनल गेम हो रहे हैं या हो चुके हैं शायद। ये देखो नेशनल गेम्स सेट गोवा, तो ये स्टेडियम है गोवा का अपना, पूरा घास लगा हुआ, बाप रे बाप क्या जबरदस्त है यार। तो ये रास्ता जा रहा है मड़गांव के लिए सीधा, तो निकले जी हम भी मड़गांव। रास्ते में बीच सॉरी ये स्टेडियम आया था, तो मैंने सोचा दिखा देता हूँ आपको। तो आगे चल रहा था, एक भैया मिले मुझे बाइक वाले, सुभाष था उनका नाम, उन्होंने मुझे केले लेके दिए कम से कम एक दर्जन, ये रखे लिफाफे में,
और 50 रुपये दे दिया, बोला जा चाय पानी पी लेना। तो ये छोटे वाले केले लिए हमने, महाराष्ट्र और गोवा में ऐसे छोटे वाले केले मिलते हैं। चलो खाते हैं और फिर चलते हैं, 20-25 किलोमीटर है मड़गांव। मेरे को प्यास लग रही, पानी मेरा ख़त्म हो चुका, गर्मी बहुत है यार। रास्ते में कहीं पानी मिला नहीं तो ये जूस वाले के पास आया हूँ, भाई बना दो एक गिलास, पहले एक नॉर्मल पानी बना दो। भाई प्यास बहुत लग रही है, गला सूख गया, तो भाई से लेकर पी लेता हूँ। तो फिर जूस पानी ऐसे पी लेते हैं, पानी आगे भर लेंगे तो एक गिलास जूस पी लेते हैं। बैठने के लिए है नहीं है। क्या बात है यार, गन्ने का जूस आ गया। जूस भी पी लिया, पानी भरेंगे आगे कहीं पेट्रोल पंप से। टाइम भी 11:30 हो गए, धूप बहुत निकली है, बहुत गर्मी है यहाँ पर। वहाँ अपने साइड पता नहीं ठंडा गर्मी है, बताना यार दिल्ली जम्मू में क्या हाल है, यहाँ तो बहुत गर्मी है। वास्को डी गामा पहुँच चुका हूँ, मड़गांव नहीं गया, मड़गांव कल जाऊँगा। तो भूख लग रही थी, यहाँ रेस्टोरेंट में आया हूँ, एक अपने नेपाली भाई हैं उनके रेस्टोरेंट में आया हूँ, पोको मिमी करके नाम है। तो फिश थाली खा रहा हूँ, तो ये कुछ फिश थाली ऐसी है, बाकी दिखाते हैं आपको क्या है। साइकिल अपनी वहाँ लगी है, तो काफ़ी दिन से ट्राई नहीं किया था गोवा का डिश, तो आज गोवा का डिश भी ट्राई कर लेते हैं, फिश थाली कैसी होती है आपको दिखाते हैं। तो जी ये है अपना राइस कड़ी फिश ऑमलेट सब्जी और चटनी, ये है गोवा की डिश। बाय, अपना खाना हो रहा है स्टार्ट। जो भी नॉन वेज लाइक नहीं करते हो वो वीडियो स्किप करके आगे देख लेना, एक मिनट 20-30 सेकेंड। और ये आ गया कड़ी, ये नारियल डाल के कड़ी बनाई हुई है, इसमें इतना हमको अच्छा लगेगा नहीं। मछली देखो भैया, मछली कांटे वाली मछली, लेकिन समझ के खाना पड़ेगा। अचार भी है, छोटी सब्जी है। पहुंचने वाला था 2 किलोमीटर रह गया, आज फिर लफड़ा हो गया, फिर चेन टूट गई यार। एक तो इतना स्यापा बन रहा है ना, क्या करूं यार। ये देखो फिर चेन टूट गई, अब इसको करना पड़ेगा सेट। चेन टूट गई है मेरी, अब ये दोबारा लगवानी पड़ेगी जाके, पता नहीं कैसे टूट रही है यार, बार बार समझ नहीं आ रहा है। इशू तो कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे से लगेगा नहीं ना यार। क्लिप इसलिए वो टूट गया। और ये पीछे मेरे सामने ब्लू बिल्डिंग है, यहाँ पर है बोल रहा है दुकान, तो ये तकरीबन घूम के जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर है। चलो कोई बात नहीं, करवा लेते हैं ठीक। तो जी दुकान पता नहीं कहाँ मिलेगा ना मिलेगा, मैंने खुद ही साइकिल यहाँ नीचे ट्रकों के पीछे, ये हाईवे में ट्रक के पीछे रख के खुद ही ठीक कर दिया। ये देखो चेन वेन लगा के, पत्थर वत्थर लगा के साथ खुद ठीक तो कर दिया। अब कितना चलेगा क्या चलेगा पता नहीं, बट ये कि आस्ते आस्ते सीखने को मिल रहा है और सीख रहा हूँ, क्योंकि जब ऐसी जगह कहीं फंस गया तो कहाँ जाऊँगा दुकान में यार। तो चलो ठीक तो कर दिया, अब चले आगे। बीच में 2 किलोमीटर रह गए और अंधेरा भी होने वाला है, अभी तो मतलब 3 बज रहे हैं लेकिन हो जाएगा अंधेरा। जी आ गया हूँ मैं यहाँ बागवालम बीच में, वास्को डी गामा के पास में है, 4 किलोमीटर पीछे है। तो थोड़ा घूमें उसके बाद चलेंगे, स्टे करने का देखेंगे, क्योंकि स्टे तो यहाँ मुश्किल ही है यहाँ पर भी। तो पहले फ्रेश हो जाते हैं टॉयलेट में, तो उसके बाद फिर आपको बीच दिखाता हूँ, क्योंकि हाथ बाद मेरे गंदे हो गए हैं, फ्रेश हो जाऊँ उसके बाद जाऊँगा बीच में। तो जी हो गया फ्रेश और आ गया हूँ बीच में, चलो दिखाएं आपको बीच, बागमालू बीच। वाओ ये भी काफ़ी यार साफ सुथरा चौड़ा बीच है यार, काफ़ी
बट आराम बोल के जितना खूबसूरत तो नहीं है। अंग्रेज कैसा लेटा हुआ अभी दिखाता हूँ आपका मैं। तो सामने पूरा अंग्रेजों का ग्रुप है सामने, तो सन बात ले रहा भाई वो अंग्रेज भाई साहब। तो बाकी अपने इंडियन लोग तो आए ही हैं। क्या नज़ारा है भाई। यहाँ पानी का फ्लो थोड़ा नीचे है। ये दो लोग लाइफ गार्ड हैं, कोई डूब जाए तो उसको जाके बचाने के लिए। ये छोटे छोटे पत्थर वाले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जाके थोड़ा बैठें और थोड़ा हवा का बीच का नज़ारा लें। 10-15 मिनट बैठे फिर उसके बाद जाएं यार। ये देखो यार बीच साइड होटल है, कितना ज़बरदस्त। चलो जी यहाँ पे आ गया मैं पहाड़ों में। वो तेरे केंकड़े, ओहो वो देखो केंकड़े, हो भाई कैसे वो भागते हुए जा रहे हैं मेरे को देख के। वो देखो गंगटा, ये देखो कितना बड़ा, आप देखें कैसे भागेगा ये। ये देखो भाई कितने सारे क्रैप्स, क्रैप्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। वो भाई क्रैप्स कितने सारे हो, मेरे को देख के कैसे भाग रहे हैं। मैं तो भाई 10 मिनट यहाँ बैठ के भाई इंजॉय कर रहा हूँ, हवा ले रहा हूँ ठंडी ठंडी, हवा मज़ा आ गया भाई। अभी ले लिए, अब 4:30 हो रहे हैं, 6-7 किलोमीटर है वास्को डी गामा, वहाँ पे गुरुद्वारा है, सर्च किया मैंने, तो चले रहना वहना वहाँ हो जाएगा, खाना पीना अगर होगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ताकि रहना फ्री में हो जाएगा मेन चीज़ जो है। तो वहाँ चलते हैं, बीच तो घूम ही लिया काफ़ी, अंधेरा हो जाएगा जाते जाते। ये है जी गोवा का वास्को डी गामा वाली साइड में बाघ मालू बीच है ये। बहुत ही ब्यूटीफुल लोग हैं यहाँ पे, सारे धूप लेते हुए मजे लेते हुए, सारे ज़बरदस्त शूटिंग हो रही है रील्स वगैरह। तो देख रही थी कैसे, देखने दे उसमें क्या है। चलें भाई, मेरे पीछे अंग्रेजनों का दो का फ़ोटो शूट हो रहा है, तो चलते हैं बाघ मालू बीच को बाय बाय करते हुए और वास्को डी गामा में अपना जाके रह। तो मैं आ चुका हूँ गुरुद्वारा में वास्को डी गामा, तो ये लंगर हॉल है, तो इसके अंदर ही पंखा लगा हुआ है, दरी वरी बिछा के मजे से सोऊंगा। अब लंगर यहाँ चलता है कि नहीं वो देखेंगे, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।